हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम हल्का फुल्का टेस्टी मूंग दाल का नाश्ता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली थी 1 कप मूंग की दाल, जिसको मैंने अच्छे से 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया है। ये मैंने यहाँ पर धुली मूंग की दाल ली थी, देखिए 3 से 4 घंटे में काफ़ी अच्छे से ये फूल चुकी है। अगर आप सुबह नाश्ता बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम इसमें से निकाल देते हैं। तो मैंने सारा पानी निकाल दिया है, अच्छे से साफ धो लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें हम ये सारी दाल को डाल देते हैं, क्योंकि हमें दाल का पेस्ट बनाना है। तो सारी दाल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दही। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच इसमें दही डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि बाई चांस अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जैसे वो दही से काम करेगा वैसे वो नींबू से भी काम कर जाएगा, क्योंकि अक्सर किसी के पास दही नहीं होता है तो वो यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं। दही या नींबू कुछ भी डाल दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, अगर हमें ज़रूरत लगेगी पीसते टाइम पे कि अगर बैटर अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा पानी हम बीच बीच में और ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जार का ढक्कन बंद कर देते हैं, अच्छे से हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरह का इसका बैटर बना के तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, सारे बैटर को हम एक बाउल में निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे मिक्सर को एक बाउल में निकाल दिया है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अच्छे से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी का हमें मिक्सर इसका बनाना है। अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, ये डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ले ली है बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई हम इसमें प्याज डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर ले लिए हैं फ्रेश मटर के दाने, आपके पास फ्रेश फ्रोजन जो भी मटर है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेश मटर डाल दी है मैंने थोड़ी सी, साथ ही साथ हम इसमें फ्रेश धनिया की पत्तियाँ भी डाल देते हैं। थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, 1/3 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला। बहुत ही थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हम हल्का फुल्का नाश्ता बना रहे हैं तो ज़्यादा हैवी इसको नहीं बनाएंगे, बहुत ही कम मसाले हम इसमें यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी सब्जियाँ इसमें बारीक काट के चॉप की हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी सब्जियाँ इसमें से अवेलेबल नहीं है तो आप उसको इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। जो जो सब्जियाँ आपके पास है वो आप डाल दीजिएगा, कोई सब्जी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बन गया है। अगर आपको बैटर थोड़ा बहुत पतला लगे या थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच सूजी या फिर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन, और पैन में मैंने लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। बस ऑयल से हमें इसको ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल हम इसमें यूज नहीं करेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़े से राई के दाने, जिससे कि जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा एकदम फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सफ़ेद तिल, इनसे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही एकदम फ्लेवरफुल खाना नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो सिंपल ऑयल लगा के भी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको फैला दिया है। अब हमने जो बैटर बना के रखा है उसमें से हम 2 से 3 स्पून भर के बैटर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार में पूरा एक बड़ा बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक बार में पूरा मिक्सर डाल के इसमें सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से हम इसको फैला देते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा मोटा है, कच्चा रह जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि किस तरह से पका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो अच्छे से नहीं पक पाएगा, अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मैंने इसको पका लिया है। देखिए, अब आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया से बबल्स आ चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही एकदम फ्लफी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो ना मैंने इसमें इनो का यूज किया है, ना ही मैंने बेकिंग सोडे का, तब भी ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से फूला हुआ है, क्योंकि हमने पहले उसको अच्छे से फेंट के बनाया है। तो जब आप नाश्ते को अच्छे से फेंट के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होता है। साइड से भी कलर चेंज हो गया है, तो यही इसका इंडिकेशन है कि अच्छे से सेक चुका है। ये देखिए,
बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एकदम करारा करारा नाश्ता हमारा बनके तैयार हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हो गई है। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा जला हुआ दिख रहा है, बट जला हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, एकदम क्रिस्पी लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में हम थोड़ा सा इस तरह से निशान बना लेते हैं कट का, इस तरह से, और इसमें हम थोड़ा सा बटर का टुकड़ा लगा देंगे। इस तरह से जब आप नाश्ता बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया एकदम मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार होगा। बटर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, या इसको आप पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से इसी तरह से छोड़ देते हैं लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए जो बटर मैंने डाला है वो भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फैला देते हैं जिससे कि चारों तरफ भी अच्छे से फैल जाए। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, जब आप इस नाश्ते को खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है तो हम इसको फिर से पलट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको 4 मिनट के बाद पलटा है और ये काफ़ी बढ़िया सा सिक चुका है नीचे से भी। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा कलर आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से पलट के 1-2 मिनट के लिए और सेक लेते हैं जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आ जाए। तो ये देखिए नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट एकदम सिक चुका है। अब हम इसको इसमें से निकाल देते हैं, सावधानी से निकालेंगे जिससे कि ये टूटेगा नहीं। तो मैंने इसको एक प्लेट पर निकाल दिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसको पूरी तरह से कट करके दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरह का सिका हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एकदम फ्लफी बना हुआ है, पीछे से भी काफ़ी बढ़िया इसका कलर आ गया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को टमाटो सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।